हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का AJS स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली यूज के 20 सेंटेंस बताऊंगा। पहले हिंदी में बताऊंगा, उसके बाद यह बताऊंगा कि इंग्लिश में आपको उस सेंटेंस को किस तरह से बोलना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह तस्वीर किसकी है? वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। हुज इज दिस पेंटिंग? शोर मत करो। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। डोंट मेक अ नॉइस। क्या आप आम खा चुकी हैं? वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। हैव यू ईटन द मैंगो? आप कहाँ जाएंगे? वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। Where will you go? उनके पास अपने बैग हैं। We can say this sentence in English. They have their bags. क्या यहाँ पास में दवा की कोई दुकान है? We can say this sentence in English. Is there a chemist nearby here? मैं कहता हूँ रुको। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। आई से स्टॉप। ठीक है, अब मुझे अपना काम करने दो। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। ओके, नाउ यू लेट मी कंप्लीट माई वर्क। अपना कमरा साफ करो। We can say this sentence in English. Clean your room, please. आज छुट्टी का दिन है। We can say this sentence in English. It is holiday today. यह बहुत दूर है। We can say this sentence in English. It's quite far. इसका मतलब मैंने गलती की। We can say this sentence in English. That means I made a mistake. मैं कार नहीं चलाऊंगा। We can say this sentence in English. I will not drive the car. वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। सी गोज टू स्कूल एवरी डे। मैं मार्केट जा रहा हूँ, साथ चलोगे? वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। आई एम गोइंग टू मार्केट, विल यू कम अलोंग? नहीं, अभी मैं व्यस्त हूँ। We can say this sentence in English. No, I am busy at the moment. लड़के सुबह से नदी में तैर रहे हैं। We can say this sentence in English. Boys have been swimming in the river since morning. वह अंग्रेजी सीख रहा है। We can say this sentence in English. He is learning English. मेरे पास मेरी कार है। We can say this sentence in English. I have my car. तुम्हारे पास तुम्हारा पेन है। We can say this sentence in English. You have your pen.